अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। हम उर्दू का काम स्टार्ट करने लगे हैं। काम स्टार्ट करने से पहले हमने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम लोगों ने सबक नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, जुगनू। हमने इसकी हाफ रीडिंग कर ली थी, 1.5 पेज की। जी, अब हम उसकी नेक्स्ट रीडिंग करने लगे हैं। ये देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट करनी थी। एक बार क्या हुआ कि मेरे 6-7 भाई मेरे साथ लाइन लगाकर अमरूद के दरख्त की जानिब चले। बस यूं समझो कि अंधेरी रात में रोशनी की उजली लहरें फैल गईं। उजली लहरें अंडरलाइन कर लें। करीब के एक घर से दो बच्चे चीखे, आहा आहा, वो जुगनू जा रहे हैं। अब्बा, हम ज़रूर पकड़ कर लाएंगे, मगर जनाब मैं बड़ा तेज़ हूँ। ये जा वो जा, वो बच्चे देखते रह गए और मैं अपने भाइयों समेत अमरूद के दरख्त के पत्तों में छुप गया। समेत को अंडरलाइन करें और छुप को अंडरलाइन करें। जब दिन ढलता है और चिरिंद और परिंद सब सोने की तैयारी करते हैं, दरख्त भी ऊँगने लगते हैं। चिरिंद और परिंद होते हैं जानवर और परिंदे। जब दिन ढलता है, ढलता निकलता है, तैयारी, दरख्त भी ऊँगने लगते हैं, मतलब दरख्त जो है वो भी उठने लगते हैं। झाड़ियाँ और टहने भी नींद से झूमने लगती हैं। तब मैं हरी कोम्पल से छलांग लगाकर करीब के पत्ते पर जा बैठता हूँ। भाई मेरे पास अपनी लाइट का पूरा बंदोबस्त है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं अपने पर फैलाता और खोलता हूँ तो रोशनी खारिज होती है, और जब समेटता हूँ तो मामूली सी रोशनी रह जाती है। ये मुझे मालूम है कि अंग्रेज़ी बोलने वाले मुझे फायर फ्लाई कहते हैं। देखो भाई, मुझे इससे क्या कि ज़मीन पर कोई कौन सी ज़बान बोल रहा है। मेरी ज़बान तो सिर्फ खुशी और रोशनी की ज़बान है। ये जो उस्मान मियाँ हैं, अपनी नानों के साथ जगह जगह सफ़र करके जाते हैं। वो ज़ियारत और पसनी गए, कराची और मलीर गए, मुल्तान और जहलम गए, और हाँ, पेशावर और मर्दान गए, मगर जुगनू थे, हर जगह मौजूद थे, एक ही तरह के हंसते मुस्कराते हुए और चमकते हुए। जी, आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब हम मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करते हैं। झाड़ियाँ, टहनियाँ, ऊँगने, समेटता हूँ, फायर फ्लाई, शहरों के नाम हैं ज़ियारत और पसनी, कराची और मलीर, मुल्तान और जहलम, शावर और मर्दान, हंसते मुस्कराते चमकते। ये जितने भी वर्ड हैं, इन सबको अंडरलाइन करके आपने अपनी नीट कॉपी पर राइट करके मुझे सेंड करने हैं। अब आप लोगों की इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप लोगों ने फुल इसकी स्टोरी की रीडिंग मुझे वॉइस मैसेज में सेंड करनी है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अब आप लोग अपना काम स्टार्ट करें।